हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रिया। तो अभी आ गई हूँ इंडिया गेट। तो अभी घूमने जाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले नींबू पानी पी लूँ, उसके बाद चलती हूँ। और गर्मी यहाँ पे है, पर गुजरात से आई हूँ इसलिए यहाँ गर्मी कम लग रही है, क्योंकि गुजरात से कम है इसलिए हम लोग को तो अभी ठीक लग रहा है। बाकी घूमेंगे तो पता चलेगा, कहीं और ज़्यादा लगे तो बताऊँगी, पर अभी तक तो बिल्कुल आराम से घूम रही हूँ। तो इसके पहले का जो ब्लॉग शेयर की थी फ्रेंड्स, डीयू कैंपस का, तब उसके बाद हम लोग वहाँ विजिट करने के बाद आ गए इंडिया गेट विजिट करने के लिए। तो अभी धूप तो हल्की हल्की लग रही थी, पर लग रहा था कि गेट से एंट्री करने के बाद ना, वो इंडिया गेट का देख रहे हैं कि गेट कितना दूर दिख रहा है, यानी कि वहाँ तक जाना है। काफ़ी बड़े एरिया में यह फैला हुआ है, तो चारों तरफ से गार्डन एरिया है। आगे जब जाओगे ना तो फाउंटेन वगैरह सब कुछ मिलेगा, पर दोपहर के टाइम था तो फाउंटेन वगैरह चालू नहीं था। तो बस जा रही थी, यहाँ पे आपको फ़ोटो खींचने के लिए बोलेंगे कि एक सेल्फी ले लो, चाहे फ़ोटो आपका ले लेता हूँ। तो ये लोग तो फ़ोटो लेते हैं तो अच्छा ही लेते हैं, तो पर ज़्यादा चार्ज नहीं है, 30 रुपीज़ चार्ज है। तो बस हम लोग गार्डन में थोड़ा थोड़ा घूमते हुए जा रहे हैं गेट के पास, उसके बाद गेट तक जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग भी चलिए, उसके बाद हम लोग घूमेंगे नेशनल वार मेमोरियल। तो चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा म्यूजिक के साथ एंजॉय करते हुए घूमते हैं। नेशनल वार मेमोरियल डिजिटल श्रद्धांजलि भी यहाँ है। और लगभग फ्रेंड्स यहाँ पे 2 से 2.5 घंटा हम लोग समय बिताए और काफ़ी थक भी गए थे, यानी कि फिर धूप लगने लगी, क्योंकि डायरेक्ट धूप में चल रहे हैं घूम रहे हैं तो काफ़ी थकान सी हो रही थी। तो फिर लगा कि अब आगे नहीं घूमेंगे, और भूख और प्यास भी लगी थी थोड़ी थोड़ी घूम घूम के। और तो बाहर देख रही थी ना, तो कुछ खाने पीने का कुछ ऐसा नहीं था, पर हमारा प्लान था कि इंडिया गेट घूमने के बाद सीधे फिर राष्ट्रपति भवन, सब पास में ही है, तो राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री, जो भी आसपास एरिया में है वो सब घूमते हुए जाएंगे जेएनयू हॉस्टल। पर इतने थक गए थे कि फिर मन नहीं किया, बोले कि चलो कोई नहीं, जब दिल्ली नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर घूम लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेट्रो स्टेशन आई, तो यहाँ पे जूस, एक गिलास लोग जूस और नारियल पानी लिए और फिर डायरेक्ट आ गए मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो स्टेशन पे आने के बाद फ्रेंड्स, कुछ खाना पीना तो बनता है, तो यहाँ पे जब भी आती हूँ तो मोमोज और जो कॉर्न होता है ना, चीज़ कॉर्न, यहाँ पे ज़रूर खाते हैं। तो बस कोई भी स्टेशन जाते हैं तो हर स्टेशन पे तो मिलता ही है, तो बिना खाए तो यहाँ से निकलते नहीं। और मुझे दिख गया पानी पूरी, तो जैसा सबको पता है कि फूड लवर है, तो यहाँ पे पानी पूरी मैं बोली चलो टेस्ट करते हैं, पर अच्छा था पानी पूरी, अच्छा लगा, मुझे पसंद आया। और यहाँ से ही बच्चों का जो फेवरेट है मोमोज, और यहाँ से कॉर्न, चीज़ कॉर्न पैक करवाए। वेट मशीन है और कुछ कुछ मेडिकल के लिए भी, वेट हाइट। चलो अजीत, स्वप्निल, चलो 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 चलो, थोड़ा थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता है, टूट पड़ो। अंडा ले लो, अंडा ए, यहाँ सब खाने वाले ही पार्टी है, कोई ऐसे नहीं है कि डाइटिंग वाले। अभी तो दो खीरा और एक एप्पल खा के चले थे।
अरे यार चश्मा ले लो, चश्मा एक इधर किसका है। चलो सामान वान ले लिए हैं, ये पापा लेके चले जाएंगे और लॉक लगा लो अभी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं जिया के हॉस्टल आ गई थी, तो ये गर्ल्स हॉस्टल है। तो यहाँ से ना मुझे एक ट्रॉली लेना था। एक्चुअल में क्या ना कि ठंडी का बहुत सारा सामान हो गया था जिया का, तो बोले कि एक एक ट्रॉली लेकर के सब लोग चले जाएंगे। तो एक्चुअल में क्या हुआ है ना कि अभी हम लोग का हरिद्वार जाने का प्रोग्राम था, पर मेरे हस्बैंड का इलेक्शन ड्यूटी होने के कारण से उनकी छुट्टी कैंसिल हुई थी। तो इस वजह से बोले कि चलो दो दिन के लिए छुट्टी है, सैटरडे संडे है, तो यूनिवर्सिटी घूम लूँगा और अपनी बेटी से भी मिल लूँगा और उसके बाद मैं वापस बड़ौदा आ जाऊँगा। तो बस वही बड़ौदा के लिए निकलेंगे। तो मैं ट्रॉली एक दे रही हूँ कि ये आप लेकर चले जाइएगा। तो एयरपोर्ट पे तो क्या है, एक आराम से लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पे वही सब गपशप ही हो रहा था कि अभी हम लोग निकल रहे हैं, लगभग 10:30 बजे अभी हम लोग का निकलने का टाइम हो गया, क्योंकि हरिद्वार की ट्रेन है और मेरे हस्बैंड की फ़्लाइट ना मॉर्निंग की है, तो नाइट में 2 बजे वो निकलेंगे, तो बेटी जाएगी छोड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस से हम लोग खाना पीना खाए थे, तो खाना पीना खाए पर वीडियो बनाना ही भूल गई थी। तो खाना पीना खाई, हॉस्टल का खाना था, काफ़ी अच्छा था। तो बस अब यहाँ पे कैब आ गई है, तो अब चलते हैं अपना रेलवे स्टेशन और हरिद्वार के लिए। तो फ्रेंड्स हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। कैब आ गई है, अभी हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। 11:50 की ट्रेन है और मेरे हस्बैंड का सुबह 4:50 का फ्लाइट है। अच्छा दूसरा है, अच्छा ये वाली है, दो आई है ना इसलिए पता नहीं चल रहा है। कुछ रो कल आएंगे, परसों आएंगे ना। फोन छूटता ही नहीं हाथ से। बेस्ट ऑफ लक। कुछ नहीं बताते, सेम टू यू। थैंक यू। बाय। पापा को छोड़ देना अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स से हम लोग आ गए हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो अभी 11 बज रहा है और अभी ट्रेन हमारी 11:50 में है, तो 11 बजे थोड़ा जल्दी ही आ गई। जैसे होता ना कि घर में रहो तो लगता है कि कहीं लेट ना हो जाए, उस चक्कर में थोड़ा जल्दी आ गई। और यहाँ पे जब मैं देख रही हूँ तो निजामुद्दीन का जो मेन एंट्रेंस है रेलवे स्टेशन का, जो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी नीट एंड क्लीन भी है और काफ़ी बड़ा एरिया में बना हुआ भी है। अच्छा एक नंबर प्लेटफॉर्म में तो अच्छा है, इधर से एक हाँ तो चलो सीरीज चढ़ना नहीं पड़ेगा। चलो तो कल शाम में रिटर्निंग है फ्रेंड्स 6 बजे का, तो चलिए चलते हैं, जो भी होगा शेयर करेंगे। बस सीढ़ी बहुत, एक्सीलेटर या लिफ्ट नहीं है क्या? अभी जो हमारी ट्रेन है फ्रेंड्स वो दिल्ली से हरिद्वार के लिए है, नंदा देवी एक्सप्रेस जो कोटा से देहरादून के लिए चलती है और सुपर फास्ट ट्रेन है। नंदा देवी एक्सप्रेस देखना। मैं इधर ट्रेन में बैठी हूँ फ्रेंड्स और ये जो आप लोग के साथ मैं एक पिक शेयर कर रही हूँ मेरे हस्बैंड और बेटी का, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और बेटी ये लोग 3 बजे रात में गए थे एयरपोर्ट, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ्लाइट था ना 4:50 का। तो मैं दिल्ली से पहुँची हरिद्वार और मेरे हस्बैंड पहुंचे दिल्ली से बड़ौदा। तो बस एक पिक था वो आप लोग के साथ शेयर कर दी एयरपोर्ट का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मॉर्निंग में उतर गई हूँ ट्रेन। फ्रेंड्स नंदा देवी बहुत अच्छी थी, सुपर फास्ट, जो लगभग 4 घंटे में हमें दिल्ली से हरिद्वार
पहुंचा दी। तो फ्रेंड्स हरिद्वार आ गए, अब यहाँ से ऑटो करके जहाँ पे गंगा आरती होती ना डायरेक्ट वहीं चले जाएंगे, क्योंकि अभी कितना 4:10 हो रहा है, 4:10 हो रहा है या 4:15 ऐसा ही हो रहा है, और गंगा आरती 5:30 का है, तो वो गूगल पे देख देख करके अब यहाँ से जाएंगे। तो फ्रेंड्स भोलेनाथ की नगरी पहुंच गई हूं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।